ये आप जो हैंडपंप देख रहे हैं, तो ये जो आप हैंडपंप देख रहे हैं इसके चारों तरफ पत्थर हैं, लेकिन ये हैंडपंप एक ऐसा हैंडपंप है जिसने इस इलाके के कई मकानों को बनाने में अहम भूमिका निभाई है। लेकिन आज यह हैंडपंप खुद पानी के लिए तरस रहा है। सवाल यह है कि जो उपकरण पानी देते हैं वही सूखे डले हुए हैं। अब लोगों के कंठ भी गीले नहीं हो पा रहे हैं। मकान बनना तो सपने जैसी बात है। देखो एक हैंडपंप उसके बाद का ही एक हैंडपंप है और ये भाई का पुराना हैंडपंप है। तो ये दो साल से खराब है, जिसकी जो महिलाएं हैं, ये हमारी माता जी खड़ी है, ये दो साल से खराब है और जितने मकान यहाँ के बने हैं सब इसी हैंडपंप के पानी से बने हैं। लेकिन पार्षद जी से कहने के बाद भी इसका सुधार अभी तक नहीं हुआ है। देखिए अगर ये सुधर जाए तो क्षेत्र में पानी की समस्या बहुत हद तक दूर हो सकती है। नहीं कुछ कहते नहीं है, वो कहते हमने पैसे में वो करवा बोलने में कुछ करते हैं। परेशान रोज के 20 रुपए कुछ देते तो टैंकर आता है। देखिए रोज के 20 रुपए का परेशान होते हैं हम पानी के लिए। देख रहे हैं आप लोग, ये समस्या है झांसी की। स्मार्ट सिटी से लाइट के आसपास है, गलियों में स्मार्ट सिटी का कोई लाभ नहीं है। करोड़ों रुपए जैसे भी एक स्मार्ट सिटी से जो आय व्यय की जांच हुई थी तो उसमें 160 करोड़ का घोटाला पाया गया था। तो ये स्मार्ट सिटी है, घोटाले का स्मार्ट सिटी घोटाले का प्रोजेक्ट है और इसमें सिर्फ घोटाला हो रहा है। और स्मार्ट सिटी को सिर्फ बेलाइट के आसपास ही अभी जैसे वहाँ पर एक सड़क डालने का प्रोजेक्ट हुआ है लगभग 84 लाख रुपए में। उस 84 लाख रुपए से पूरी झांसी में जहाँ जहाँ पानी नहीं आ रहा है हैंडपंप लगाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। उन्हीं लोगों को सुविधाएं दी जा रही है जो पहले से संपन्न है, जिन एरिया का विकास हो चुका है। स्मार्ट सिटी का पैसा उन्हीं एरिया पे उन्हीं लोगों पे खर्च हो रहा है, गरीबों की और जो छोटे क्षेत्र हैं इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो भारतीय प्रजा शक्ति पार्टी इस पर आंदोलन करेगी।